नमस्ते प्रणाम, मैं लोग एक सिद्धांत राज और आज मैं अपने गांव मोहनपुर में हूं और सोचा कि आज मैं एक ब्लॉग आप लोग के लिए बनाऊं, तो बस वही चीज़ लेके मैं आज अपने ये खेत आ गया हूं अब इधर हिरनहो में। और आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि किस तरह से हमारे गांव मोहनपुर में खेती किया जाता है, सब्जी का या फल का जो भी हो गया। और साथ में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि यहाँ पर मछली का भी फार्मिंग किया जाता है। तो वीडियो में बने रहिएगा। और मैं गाइस बता दूं, ये वीडियो काफ़ी लंबा बनेगा, तो मैं इस वीडियो को पूरे 5 पार्ट में डिवाइड करूंगा और डेली एक पार्ट में अपने पेज सिद्धांत राज पे अपलोड करूंगा। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग रिस्पॉन्स और प्यार और आशीर्वाद अच्छा लग दीजिएगा। देख सकते गाइस ठंडा बहुत है और इस ठंड में मैं बाहर निकल के आप लोग के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और हमारे पेज सिद्धांत राज को फॉलो कीजिएगा। देख सकते हैं कितना ठंडा है, चारों तरफ कुहेसा ही कुहेसा है। और हमारे साथ ही मेरा भाई है गोविंद कुमार और आज हम लोग आ गए हैं। अब मज़ा आएगा बहुत, ब्लॉग में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और मज़ा तब आएगा जब आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे मछली का खेती किया जाता है। अभी तक आप लोगों ने मछली खाया होगा लेकिन कभी मछली उपजाते हुए नहीं देखा होगा। लोग अनाज उपजाते हैं लेकिन यहाँ पर हम लोग मछली को उपजाते हैं। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। आइए दिखाएंगे किस तरह से मछली उपजाया जाता है, वीडियो में बने रहिए आप लोग। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरे दो बीघा में ये परवल लगाया गया है। अभी आपको, आप लोगों को परवल दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा जूम करके थोड़ा परवल दिखाइए। देख सकते हैं अभी ये छोटा छोटा ही है, तो ये परवल कुछ दिन पहले ही लगा है और जून जुलाई के महीने में जाके ये परवल टूटना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद और भी बहुत सारे यहाँ पर सब्जी उपजाए जाते हैं, उपजाते तो सभी लोग हैं लेकिन स्पेशल हम लोग क्या उपजाते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। परवल आप लोग को दिखाया और भी कई प्रकार के सब्जी हैं वो भी मैं दिखाऊंगा। और फिश फार्मिंग मछली का भी वहाँ पे होता है खेती, तो वो भी मैं दिखाऊंगा।